एक बीवी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारने का प्लान बनाती है, लेकिन उसके बाद आता है कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑब्सेशन। मूवी की शुरुआत में हम सनी को बस में देखते हैं, जो एक मैकेनिक होता है और अपनी नई जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी जा रहा होता है। और जब वो इंटरव्यू के लिए पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने पहले ही किसी और को हायर कर लिया है। और फिर सनी को वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है। जॉब ना मिलने की वजह से वो उदास हो जाता है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो होटल में रह सके। और जब वो रोड पे सो रहा होता है तो इतने में हम वहाँ एक जॉर्ज नाम के आदमी को देखते हैं, और तभी अचानक से एक लड़का जॉर्ज पर हमला कर देता है। और जब वो लड़का जॉर्ज को मारने वाला होता है तो सनी उसे आकर बचाने लगता है। और फिर कुछ देर सनी से लड़ने के बाद वो चोर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद जब पुलिस उनसे कुछ सवाल जवाब कर रही होती है तो इतने में जॉर्ज की वाइफ लरीसा भी वहाँ आ जाती है और जॉर्ज को गले लगा लेती है। और जब सनी वहाँ से जाने लगता है तो जॉर्ज के पूछने पर वो उसे बताता है कि मैं किसी काम की तलाश में हूँ। और फिर जॉर्ज उसे अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। घर पहुँचने के बाद जॉर्ज को पता चलता है कि सनी एक मैकेनिक है, और वो कहता है कि तुम मेरे गैराज में काम कर सकते हो, जिसके लिए मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। ये सुनकर सनी खुश हो जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉर्ज सनी को अपना गैराज दिखाता है और एक गाड़ी भी, जिसे वो लरीसा के लिए बना रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सनी अपना काम कर रहा होता है, और जब लरीसा मार्केट से वापस आती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर लरीसा अंदर चली जाती है, और उसके बाद जब भी लरीसा को मौका मिलता है तो वो सनी को देखने का बहाना ढूंढती है। कभी उसे नहाते हुए देखती है तो कभी रात को अपनी विंडो से जब जॉर्ज सो रहा होता है। और अगली सुबह जब सनी काम कर रहा होता है तो लरीसा उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरह से देखना बंद करना होगा। तो कुछ देर बातें करने के बाद सनी उससे पूछता है कि तुमने एक बूढ़े आदमी से शादी क्यों की। तो लरीसा कहती है कि अगर मैंने जॉर्ज को ये सब बता दिया तो तुम जानते हो कि क्या होगा। तो वो कहता है कि क्या तुम यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो लरीसा उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात हम उन तीनों को डिनर पर देखते हैं, और कुछ देर बात करने के बाद जॉर्ज सनी से कहता है कि मैं विस्की की बॉटल बाहर ले जा रहा हूँ और तुम किचन से आइस लेकर आ जाओ। और जब सनी आइस लेने जाता है तो वो किचन में लरीसा को सेड्यूस करने लगता है, जिसके लिए लरीसा भी उसे कुछ नहीं कहती। और फिर जॉर्ज के बुलाने पर वो बाहर चला जाता है। फिर अगली सुबह सनी जॉर्ज को उसकी नई गाड़ी का एक पार्ट लेने कहीं भेज देता है। और जब लरीसा वहाँ आती है तो वो उससे कहता है कि जॉर्ज 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाला, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को सेड्यूस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। उसी शाम गाड़ी तैयार होने के बाद जॉर्ज गाड़ी लरीसा को गिफ्ट करता है, और इसी खुशी में वो लोग फिर से रात को सेलिब्रेट करने लगते हैं। कुछ देर में जॉर्ज को चढ़ जाने के बाद वो वहीं सोफे पर लेट जाता है, और सनी लरीसा से मिलने उसके बेडरूम की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही सनी ऊपर पहुंचता है तो लरीसा उसे सेड्यूस करने लगती है, और वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज सनी को एक जगह लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये पूरी ज़मीन मैंने खरीद ली है, क्योंकि यहाँ 6 महीने बाद हाईवे बनने वाला है और मैं यहाँ मोटर स्पोर्ट्स पार्क बनाऊँगा। ये सारा प्लान सुनने के बाद सनी लरीसा को भी इसके बारे में बता देता है, और लरीसा कहती है कि ये सब कुछ हमारा हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। और उसका प्लान सुनकर सनी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो लरीसा कहती है कि ये पूरा प्लान मेरा था और मैंने ही जॉर्ज को इसका आइडिया दिया था, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो। और अगले दिन हम देखते हैं कि जॉर्ज ने काम शुरू करवा दिया होता है, और सनी अपनी सिस्टर की बीमारी का बहाना बनाकर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम लरीसा को एक होटल में जाते हुए देखते हैं, और वहाँ हमें पता चलता है कि वो सनी से मिलने गई है और सनी ने जॉर्ज से झूठ बोला था, जहाँ वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं और जॉर्ज को मारने का प्लान बनाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सनी लरीसा को गैराज में ले जाता है और उसे जॉर्ज को मारने का डेमो दिखाता है। वो कहता है कि जब मैं जॉर्ज के साथ ट्रैक्टर के नीचे रहूँगा तो तुम ये लेवर खींच देना, और इससे सबको लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था। और फिर अगले सीन में हम सनी को ट्रैक्टर के नीचे देखते हैं, और वो जॉर्ज को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। और जैसे ही जॉर्ज उसके नीचे जाता है तो लरीसा लेवर खींच देती है, और इस सब में सनी का हाथ भी उसके नीचे दब जाता है। लेकिन सनी प्लान के मुताबिक लरीसा को शॉपिंग के लिए भेज देता है और 911 को कॉल करके हेल्प के लिए बुला लेता है। और जब लरीसा सुपरमार्केट में सामान ले रही होती है तो उसे एक फ़ोन आता है,
और घर जाकर वो देखती है कि पुलिस वहाँ आई हुई है और जॉर्ज की मौत की खबर सुनकर रोने का नाटक करती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि सनी हॉस्पिटल से वापस आ जाता है और लरीसा से कहता है कि अब हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्रॉफोर्ड अपनी कलीग से कहता है कि मुझे ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर लग रहा है। वो कहता है कि मुझे इसमें लरीसा और सनी की साजिश लगती है और हमें इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए। और अगले दिन हम सनी को देखते हैं जो गैराज क्लीन कर रहा होता है और तभी डिटेक्टिव क्रॉफोर्ड भी वहाँ आ जाता है। वो सनी से सच निकलवाने के लिए उससे कुछ सवाल पूछता है और यहाँ तक कि उसके और लरीसा के रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है, लेकिन सनी उसे कुछ नहीं बताता और फिर क्रॉफोर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लरीसा सनी के पास आती है और उसके पूछने पर सनी बताता है कि वो सिर्फ फिशिंग कर रहा था, लेकिन अभी हमें अलर्ट रहना होगा और कुछ दिनों तक एक दूसरे से अलग भी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगते हैं और फिर एक रात जब सनी से रहा नहीं जाता तो वो लरीसा के रूम में चला जाता है, जहां वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। और अगले दिन सनी को डिटेक्टिव का फ़ोन आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुला लेता है। और अगली सुबह सनी लरीसा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहां डिटेक्टिव सनी को मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि जॉर्ज की मौत एक बार में नहीं हुई है बल्कि दो बार उस पर ट्रैक्टर गिराया गया था। तो सनी कहता है कि शायद ट्रैक्टर दो बार बाउंस किया होगा, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। वो सनी से इधर उधर के सवाल पूछकर उसे उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई चालाकी काम नहीं आती। और क्रॉफोर्ड कहता है कि जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही सनी बाहर जाता है तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब ट्रैक्टर जॉर्ज पे गिरा था तो उसकी मौत नहीं होती, जिसके बाद लरीसा दोबारा चेन खींचकर उस पर ट्रैक्टर गिरा देती है और फिर जॉर्ज की मौत हो जाती है। सनी और लरीसा घबराते हुए घर पहुंचते हैं और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो क्रॉफोर्ड लरीसा को अगले दिन पुलिस स्टेशन आने को कहता है। और तभी लरीसा सनी को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा भी तुम्हारा है। ये सुनने के बाद सनी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। और अगले सीन में हम सनी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि मैंने ही जॉर्ज को मारा है क्योंकि मैं लरीसा से प्यार करने लगा था और मुझे लगा कि अगर मैं जॉर्ज को मार दूं तो लरीसा मेरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर लरीसा को सनी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पुलिस कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चले और इसका असर हमारे बच्चे पर हो। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सुनकर लरीसा इमोशनल हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सनी के लिए लरीसा का लेटर आता है और वो उसे अपने बेटे की फ़ोटो भेजती है और कहती है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है। जिसके बाद हम उनके बेटे की फ़ोटोज़ वॉल पे देखते हैं और सनी अपना जवाब भी लिखकर भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि लरीसा का स्पोर्ट्स पार्क का काम भी कंप्लीट हो चुका होता है और वहाँ बहुत सारे लोग भी आए होते हैं। जिसके बाद लरीसा की असिस्टेंट सनी का लेटर उसके पास ले जाती है और लरीसा उससे कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली फ़ोटोज़ लाई हो एम्प्लॉई वॉल के लिए। तो उसकी असिस्टेंट उसे अपनी फैमिली फ़ोटोज़ दे देती है। और उसके जाने के बाद वो सनी का लेटर देखती है और इतने में उसके पीछे खड़ा लड़का उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही लड़का होता है जिसने जॉर्ज पे हमला किया था और वो लरीसा के लिए ही काम करता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये सारा प्लान लरीसा का ही था और वो सनी को अपनी असिस्टेंट के बेटे की फ़ोटोज़ भेजती थी और वो खुद कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने सनी को इमोशनल करके जेल भिजवा दिया था और खुद पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। और फिर अगले सीन में हम सनी को देखते हैं जिसे आज फांसी होने वाली थी और सनी को कभी पता ही नहीं चल पाता कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।